गुरुवार को फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाने का काम शुरू हुआ। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह सुबह जिला अस्पताल पहुंचे और टीका लगवाया। फ्रंटलाइन वर्कर्स में गुरुवार को पुलिस के साथ कई सरकारी विभागों के अफसर व कर्मचारियों को टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण में गुरुवार को सरकारी व निजी अस्पतालों में टीकाकरण अभियान चलाया गया। पुलिस और अन्य विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों को टीके लगाए जाने की वजह से अस्पतालों में काफी भीड़ रही। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह 11:15 बजे जिला अस्पताल पहुंचे। कोविड टीके से पूर्व की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद टीका लगवाया। इसके साथ ही महिला अस्पताल, केंद्रीय पुलिस अस्पताल, नेत्र चिकित्सालय, पीएससी अस्पताल के साथ निजी अस्पताल में भी लोगों में टीका लगवाने का उत्साह दिखा। जो वर्कर्स थे उनका टीकाकरण था और मुझे भी आज टीका लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुरक्षित वैक्सीन है, मैं सभी से अपील करूंगा कि टीकाकरण अवश्य कराएं, जिनका नाम ड्यू लिस्ट में आता है। अब तक कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितनी सफलता मिली है सर? अभी तक जो है पहले चरण में 20,000 का था, उसमें भी 80% के आसपास टीकाकरण हुआ है और जो दूसरा चरण शुरू हुआ है उसमें भी 76% टीकाकरण हो गया है। तो मैं इस अवसर पर यही अपील करूँगा कि लोग, सुरक्षित वैक्सीन है, देश के वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से बहुत ही कम समय में बनाया है, तो ड्यू लिस्ट में जिसका भी नाम आता है उनको बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के टीकाकरण कराना चाहिए।